हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली, आप सभी का स्वागत है नव्या की छोटी सी बगिया में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे छिलके के ऊपर कि देखिए हमारे सब्जी फ्रूट के छिलके हैं, जो चीज़ हम फेंक देते हैं उसे हमारे पौधे को कितना लाभ मिलता है। एक तो मैं इसे कंपोस्ट में डाल सकती हूँ, डालती भी हूँ, जिससे गल के एक महीने के अंदर में इसका अच्छा खासा खाद बन जाता है। उससे पहले मैं इसका लिक्विड निकालूँगी, फिर इसको मैं कंपोस्ट में डालूंगी। देखिए मैं इसको उबालने के लिए डाल दी हूँ, इसे उबाल के पहले ठंडा करूंगी, इसके बाद इसका लिक्विड निकालूंगी। तो देखिए इसमें उबाल के मैं ठंडा कर ली हूँ, अभी इसका छिलका निकाल के आज के छिलके जो है उसके साथ मैं कंपोस्ट में डाल दूंगी। और इस पानी को मैं आज सुबह ही सभी पौधे में गोबर की लिक्विड बना के दी थी, दो तीन दिन पहले ही गोबर डाल के रखी थी, तो उसी में डाल के मैं आज छोड़ रही हूँ। मैं अब इसको 10 दिन बाद यूज करूँगी, क्योंकि आज तो मैं दी हूँ तो 10 दिन बाद यूज करूँगी, तब तक इसी में रहेगा। देखिए ये काफ़ी पुराना हो जाएगा, इसके जूस की मात्रा कम लेके पानी ज़्यादा मिला के मैं सभी पौधे में दूँगी। तो ये सब छिलके को मैं अब कंपोस्ट में डाल रही हूँ, ये देखिए। और आज का ये केले का छिलका है, इसे मैं धूप में सुखा के ऐसे गुलहड़ के पौधे में दूंगी, तो उससे इसे बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, पत्ते भी बहुत ग्रीन ग्रीन से रहते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे।